स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग दिलचस्प विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में G7 देशों की मीट हुई थी, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज आल्सो इनवाइटेड। और इस मीट में, जर्मनी में ये मीटिंग हुई थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ही टुक गिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स। और आज हम लोग इस डिस्कशन में उन्हीं गिफ्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये कैसे डिस्कशन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ गिफ्ट्स लेकर जाकर देंगे वर्ल्ड लीडर को, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे लिए द आइडिया ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी की, कि हमारे कल्चर से, हमारे आर्ट से, हमारी हिस्ट्री से हम कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं उसे प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट दिया है टू वर्ल्ड लीडर्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को समझेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं, उस प्रोडक्ट के पीछे हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीज़ों को समझें। ऑल दो इस डिस्कशन में मैं कोशिश करूँगा कि संक्षिप्त रूप में आपको समझाऊँ, लेकिन जहाँ पे भी मुझे लगता है कि किसी एक कल्चर के बारे में, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक टेक्निक के बारे में और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंटायर टेक्निक इटसेल्फ। राइट, तो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होगा क्योंकि हम लोग अलग अलग लीडर्स को जो जो गिफ्ट दिए गए हैं वो सारी जानेंगे यहाँ पे। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम की। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है, 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे, 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इट्सेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11th July 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली अबाउट इंडियन गिफ्ट्स टू वर्ल्ड लीडर्स। जून महीने के लास्ट वीक में ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की मीटिंग हुई इन एल्माओ इन जर्मनी। अब ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है कौन सी, अगर आपको इन्हें याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यू कैन रिमेंबर थ्रू द एक्रोनिम ऑफ GFJUICE, ग्राउंड फ्लोर जूस कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U से आपको याद रखना है USA, I से इटली, C से कनाडा, E से याद रखना है इंग्लैंड और UK, राइट? तो ये 7 कंट्रीज है, इन्हें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट दिया, इनके लीडर्स को तो गिफ्ट दिया, लेकिन इस G7 की मीटिंग में इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, अर्जेंटीना के लीडर भी इनवाइटेड थे, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन के लीडर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन्वाइटेड थे। और इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी अलग अलग लीडर्स के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट्स ले गए, गिफ्ट्स that displayed rich Indian art and craft, specially from Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ka already ek jo scheme chal raha hai, one district, one product scheme, wahan se kai sare products दूसरे लीडर्स को अभी दे चुके हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे G7 मीट के बारे में चर्चा नहीं करने वाले, G7 मीट से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट्स की क्या हिस्ट्री है, वो क्या क्राफ्ट है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या गिफ्ट दिया, एक मीनाकारी ब्रोच और कफलिंक उन्होंने गिफ्ट दी।
ये उसकी पिक्चर है, आप देख सकते हो, ये है ब्रोच जो आप सूट पे पहनते हो, एंड द ब्रोच वॉज एक्चुअली गिवन टू द फर्स्ट लेडी दैट इज जो बाइडन वाइफ जिल बाइडन के लिए। और ये जो तो कफलिंक थे, ये कफलिंग जो शर्ट के ऊपर पहनते हैं कफलिंग, ये जो बाइडन के लिए दिया गया था। और ये मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी आर्ट था, गुलाबी मीनाकारी को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी मिला हुआ है, और ये स्पेसिफिकली आपको वाराणसी से मिलता है। कैसे होते हैं आप इसकी पिक्चर से देख सकते हो, काफ़ी इंट्रिकेट, काफ़ी एक्सक्विजिट ये आइटम्स थे। मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी जो GI टैग फॉर्म है, वहाँ पे क्या होता है, प्योर सिल्वर के पहले मोल्ड बनाया जाता है, जिससे एक बेस फॉर्म बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्योर सिल्वर के पहले बेस मोल्ड बनाए गए, उसके अंदर ये मीना कांच या फिर मीना ग्लास विच इज पिंक इन कलर, इसको एम्बेड किया जाता है, एम्बॉस किया जाता है। कैसे, देखिए, ये क्रश्ड मीना ग्लास के अंदर हम लोग नेचुरल अनारदाना ग्लू मिलाते हैं, अनारदाना मतलब पोमोग्रेनेट, जिससे कि पिंकिश ह्यू आ जाता है और एक ट्रांसलूसेंट कलर्ड पैच बन जाता है। दूसरी मीनाकारी जो कलाकारी होती है, आर्ट होती है, उससे ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग कैनवास दिख जाएगी। यू कैन सी हियर सिल्वर इनले फर्स्ट, और उसके बाद जो गुलाबी कलर के स्टोन से गुलाबी कलर के ग्लास है वो एम्बॉस्ड है इसमें, अलग अलग कलर के आपको मिलते हैं। पिंक कलर इज क्वाइट प्रोमिनेंट हियर, और आपको ध्यान रखना है गुलाबी मीनाकारी कम्स फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। सो जो बाइडन गॉट मीनाकारी ब्रोच एंड कफली। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को मेटल मारोडी कार्विंग का मटका मिला, यानी कि मेटल का एक ब्रास का मटका मिला, जिसके ऊपर काफ़ी इंट्रिकेट मारोडी कार्विंग्स की हुई थी। अब ये आपको कहाँ मिलती, मारोडी मटका बेसिकली निकल कोटेड एक ब्रास वेसल होता है, वो आपको मिलता है या फिर वो प्रोड्यूस किया जाता है मुरादाबाद में, मुरादाबाद इन UP। मुरादाबाद इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीतल नगरी। तो इन्हें ओलाफ शोल्स को एक पीतल का वेसल मिला, जिसके ऊपर बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइंस किए हुए थे। मुरादाबाद इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रास सिटी। अब कैसे होता है कि पहले तो ब्रास का आप वेसल बना लोगे, कास्ट करके एक वेसल बना लोगे, और उस वेसल के ऊपर पहले एक स्केच बनाया जाता है, एक डिज़ाइन बनाया जाता है, और उस डिज़ाइन को के ऊपर कार्विंग की जाती है। आप देख सकते हो कितना इंट्रिकेट कार्विंग है, एक बेसिकली हैमर और चीजर लेके धीरे धीरे से आप कार्विंग करके कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हो, और ये मिला जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को। रिमेंबर, मारोडी मटका, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल नगरी, राइट। नेक्स्ट, UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को क्रॉकरी मिली, राइट, चाय पीने के लिए, राइट, टी पॉट एंड कप्स एंड सॉसर्स, एंड दे वर ब्यूटिफुली पेंटेड, ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड इन बुलंदशहर, और इस क्रॉकरी में दे वर आउटलाइंड विथ प्लैटिनम मेटल पेंट इन ऑनर ऑफ क्वीन्स प्लैटिनम जुबली विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2022। और इसके ऊपर जो आउटलाइंस है ये मेहंदी कोन वर्क से बनाए जाते हैं, इसीलिए काफ़ी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हैंड वर्क की जरूरत होती है, अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए इट वुड बी वेस्टेड। सो UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन गॉट द प्लैटिनम पेंटेड टी सेट। इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, उन्हें मिला एक जरदोजी बॉक्स, उसके अंदर इत्र के बॉटल, इत्र मतलब परफ्यूम जो होता है, फ्रेग्रेंस जो होता है, उसकी बोतलें, और जो बॉक्स था उस बॉक्स के ऊपर बहुत ही इंट्रिकेट ब्यूटीफुल जरदोजी आर्ट बना हुआ था। ये जो कैरियर बॉक्स था, जरी जरदोजी का, आप जानते हैं जर मतलब गोल्ड, दोजी मतलब सीना, तो जरदोजी मतलब गोल्ड से बने हुए या फिर इंट्रिकेटली गोल्ड सोन आर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो कलर्स हैं, वाइट कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर, दीज रिप्रेजेंट द फ्रेंच फ्लैग। तो इस तरह का एक जरदोजी बॉक्स मिला, उस बॉक्स के अंदर अलग अलग इत्र के वैरायटीज मिले, इत्र डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस लाइक अतर मिट्टी, जैस्मिन ऑयल, अतर शमाना, अतर गुलाब, और एक गरम मसाला भी मिला वहाँ पे, टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच पीपल लव इंडियन मसालास, तो दैट्स वाई अ गरम मसाला वॉज ऑल्सो एडेड, राइट। इसके अलावा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को एक हैंड नॉटेड, हाथ से बना हुआ एक कालीन दिया गया, जो जम्मू कश्मीर का, आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में बना हुआ एक कालीन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को दिया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को। अब ये जो कालीन है, पहले तो वर्ल्ड फेमस है, यू नो जम्मू कश्मीर के जो कालीन बनते हैं, जम्मू कश्मीर सिल्क के जो कश्मीरी सिल्क के जो कालीन से वो काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी इंट्रिकेट इनके भी डिज़ाइन होते हैं, प्रेडोमिनेंटली ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, और इनकी जो क्रिएशन होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट कलर कोड इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी द इंट्रिकेट कलर पैटर्न्स इन दिस पर्टिकुलर कारपेट एंड दे आर क्वाइट वर्ल्ड फेमस। इसके अलावा जापानीज प्राइम मिनिस्टर को फ्यूमियो किशिडा को ब्लैक कलर की पॉटरी मिली, 3
ब्लैक कलर की पॉट्स कुछ इस तरह के दिए गए टू द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, और ये जो पॉट्स मिलते हैं ये मिलते हैं आपको निजामाबाद फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब पॉटरी मतलब मटका, बेसिकली मटका मतलब मिट्टी से बनता है, मिट्टी से आप पहले शेप बनाते हो, आप पता है ना जो टर्निंग व्हील पे बनता है उससे शेप बन जाता है, उसके बाद उस मटके को फायर करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आनी है। तो यहाँ भी जो ब्लैक कलर आता है ये एक स्पेशल टेक्निक से आता है विच इज़ फाउंड इन सॉइल, उस सॉइल में हाई जिंक कंटेंट मिलता है। इसके अलावा फायर करने से पहले इस मटके के ऊपर मस्टर्ड ऑयल लगाया जाता है, और मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद इसे अवन में रखा जाता है फायर करने के लिए, और जब अवन में रखेंगे इंश्योर किया जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और उस अवन में बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना एंटर हो, कुछ इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है जिससे कि ये ब्लैकिश और शाइनी ब्लैकिश ह्यू आ जाता है। और आपको ध्यान रखना है ये ब्लैक पॉटरी इज क्वाइट फेमस फ्रॉम निजामाबाद उत्तर प्रदेश, राइट। इसके अलावा इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्राघी को मिला एक मार्बल इनले पित्रादुरा का टेबल टॉप। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पित्रादुरा का नाम सुना होगा, पित्रादुरा यू मस्ट हैव सीन दीज डिजाइंस ऑन ताजमहल, अगर आपने विजिट किया है ताजमहल पे पित्रादुरा, इसकी ओरिजिन है ओपस सेक्टाइल की, जहाँ पे मार्बल के अंदर कुछ इस तरह के डिजाइन किए जाते हैं और उसके अंदर स्टोन्स को एनग्रेव किया जाता है। आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पित्रादुरा एंड द टेक्निक ऑफ अरेबेस्क। अरेबेस्क अगर आप पुराने मॉन्यूमेंट्स पे विजिट कर चुके हो तो अरेबेस्क में आपने देखा होगा कि जो बेल बनती है, राइट, जो पेड़ों की बेल बनती है उस बेल की तरह चीज़ें होती हैं, और कई बार उर्दू में भी चीज़ें लिखी हुई देखी होंगी अपने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पे, इट इज़ कॉल्ड एज अरेबेस्क। और इसी तरह की एक चीज़ होती है पित्रादुरा, इनफैक्ट हम लोग पित्रादुरा और अरेबेस्क के ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन ही करेंगे क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पित्रादुरा में मार्बल के अंदर आप प्रीशियस स्टोन्स इनले करते हो, और यहाँ पे ये जो इटालियन मार्बल था इसके अंदर प्रीशियस स्टोन इनले करके ये इनलेड मार्बल टेबल टॉप दिया गया टू मारियो द्राघी। इसके अलावा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट मिला, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो को लैकर वेयर राम दरबार मिला, लाख से बना हुआ, राइट। लाख, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महाभारत स्टोरी, लाक्षाग्रह का स्टोरी आपको याद होगा, लाक्षाग्रह पांडवों को मारने का जो प्लान था लाक्षाग्रह में, उसको लाख बेसिकली शेलैक जो आजकल तो आपको ये सिंथेटिक भी मिल जाते हैं बट नेचुरल लाख आपको पेड़ों से मिलती है, और लाख की ही पेंट बनाई जाती है इस चीज़ पे, ये आपको मिलता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, टेम्पल टाउन, होली टाउन वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुलर वुड से ये गिफ्ट बनाया गया था, ये जो वुड है एक बेस होता है उसके ऊपर अलग अलग अटैचमेंट किए जाते हैं, अटैचमेंट करने के बाद इस तरह की इंट्रिकेट डिज़ाइन किया जाते हैं, और ये जो पेंट है कलर आपको दिख रहा है ये लाख पेंट है, बेसिकली लाख बेस पेंट इज यूज टू क्रिएट सच थिंग्स। अब आपको लग रहा होगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को राम दरबार क्यों दिया गया, इससे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा, व्हाई राम दरबार टू इंडोनेशिया। ये कहा जाता है कि इंडोनेशियन वर्जन ऑफ रामायण वॉज रिटन इन जावा बाई इन दी मेदांग किंगडम इन 18th टू 11th सेंचुरी के बीच सेंट्रल जावा में लिखा गया था। अपेरेंटली इंडोनेशिया में भी रामायण के स्टोरीज काफ़ी प्रोमिनेंट है, इंडोनेशिया में रामायण की स्टोरीज वर नैरेटेड थ्रू वायांग कुलित एंड वायांग पुरवा, और ये वायांग कुलित वायांग पुरवा दे आर दी वेरियंट्स ऑफ शैडो पपेट्री इन इंडोनेशिया, राइट, सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट गया सेनेगल के प्रेसिडेंट मैकी सॉल को, मैकी सॉल को मूंज के बास्केट दिए गए, साथ ही कॉटन की एक दरी दी गई। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मूंज के बास्केट जरूर देखे होंगे, मूंज के बास्केट अगेन यूपी में काफ़ी प्रेडोमिनेंट है, यूपी में यमुना के तट पे प्रेडोमिनेंटली प्रयागराज में आपको ये बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मूंज मतलब नॉट बैम्बू एग्जैक्टली, मूंज को क्या सकते हैं, एक तरह की घास मिलती है, सरपट घास, राइट, आपने देखा होगा उसको कई बार पानी के अंदर गर्म भी किया जाता है अलग अलग कलर्स देने के लिए, और उन्हें हाथों से वीव किया जाता है। इनफैक्ट इट इज़ प्रिडोमिनेटली मास्टर्ड बाई वुमेन, क्राफ्ट वुमेन फ्रॉम प्रयागराज। तो इस तरह के मूंज के बास्केट और एक कॉटन की दरी दी गई सेनेगल के प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो दूसरे लीडर्स थे साउथ अफ्रीका से और अर्जेंटीना से, उन्हें अलग अलग ढोकरा शिल्प, ढोकरा आर्ट के कुछ इक्विपमेंट्स दिए गए, कुछ इस तरह के ऑर्नामेंट्स। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यू नो अबाउट द ढोकरा आर्ट, इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग एक अलग सेपरेट डिस्कशन करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ टेक्निक कॉल्ड एज सिरे पेरदू और द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, आपने सुना होगा हरप्पा की जो डांसिंग गर्ल के बारे में, राइट, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर, राइट, द कॉपर स्कल्पचर और द ब्रास स्कल्पचर,
उसी सिरे पर्दू टेक्निक से बनाया गया था या फिर लॉस्ट वैक टेक्निक से बनाया गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंशियंट या फिर मिडिवल ट्राइबल क्राफ्ट भी है। ढोकरा आर्ट या फिर ढोकरा शिल्प इसको कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ढोकरा शिल्प है कहाँ पे प्रोमिनेंटली मिलता है, वेयर डू यू फाइंड इट प्रोडोमिनेंटली, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डू रिमेंबर, इस ढोकरा शिल्प के ऊपर हम लोग एक कम्प्लीटली सेपरेट डिस्कशन ही करेंगे, ढोकरा शिल्प और लॉस्ट वैक्स टेक्निक और सिरे पर्दू टेक्निक, जिससे कि कुछ इस तरह के कॉपर या फिर ब्रास के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। पहले एक मोल्ड बनाया जाता है, वैक्स का मोल्ड बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको फायर किया जाता है, और मोल्टन मेटल जब आप पोर कर दोगे तो वैक्स तो पिघल जाएगा, तो वैक्स तो निकल जाएगा, फिर उस मोल्ड के अंदर सॉलिडिफाइड मेटल आपको कुछ इस तरह के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। सो विल डिस्कस दिस अगेन, बट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट, दे गॉट डिफरेंट ढोकरा आर्ट स्कल्पचर्स लाइक दिस। सो नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि यू डू अप्रिशिएट कि हम लोगों ने जो इंडिया से गिफ्ट लेकर गए थे, हम लोग आर्ट एंड कल्चर की गिफ्ट जो लेकर गए थे, अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी होगी, मैं कहूँगा फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी पढ़ाई भी ज़रूर बढ़ चुकी है। सो डू नोट दीज थिंग्स, व्हाट वर द गिफ्ट्स गिवन, क्योंकि कई सारे सवाल बन सकते हैं, सिंपल सवाल ओवर द लोकेशन कि कहाँ से कहाँ पे ये मिलता है, किस चीज़ को GI टैग है, किसको नहीं है, या फिर आपको मैचिंग पेयर पे सवाल आ सकते हैं। रिसेंटली UPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में आपने देखे होंगे अलग तरह के सवाल आए थे, जहाँ पे आपको चार पेयर दिए गए, कितने पेयर करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आपको टेक्निक और उस जगह का अगर नाम बता दिया जाए, या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, UP का जो स्कीम चल रहा है, तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट है। इफ़ यू रिमेंबर, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। In fact, we will continue this discussion about different art and the art or cultural techniques, the crafts techniques, जैसे कि ढोकरा आर्ट हो गया, दूसरे आर्ट्स हो गए, स्पेसिफिकली हम लोग कुछ आर्ट्स थोड़ा सा डीपली जाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। बट राइट नाउ दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी सजेशंस, कंप्लेंट, फीडबैक, जो भी हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।